हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि CSS 3 का यूज करके हम टेक्स्ट शेडो किस तरीके से दें। आज हम देखेंगे कि CSS 3 का यूज करके हम वर्ड रैपिंग किस तरीके से करेंगे। तो वर्ड रैपिंग मतलब क्या? नॉर्मली चलो वर्ड रैपिंग थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, नॉर्मल हम पहले देखते हैं रैपिंग मतलब क्या। तो रैपिंग मतलब हमको कोई एक बाउंड्री में बाउंड करना, मतलब कि कोई एक बाउंड्री के अंदर में ही रखना। तो ये वर्ड रैपिंग का अगर जो देखें तो वर्ड रैपिंग में का मेन रीज़न यही है कि हमको कोई एक बाउंड्री के अंदर में ही रखना है। तो जैसे कि हम कोई एक टेक्स्ट लिखते हैं तो ब्राउज़र ये टेक्स्ट को कटआउट नहीं कर सकता, मतलब कि अगर जो बीच में स्पेस रही तो स्पेस से वो कटआउट कर सकता है, अगर जो स्पेस नहीं रही तो वो ब्राउज़र कटआउट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वर्ड रैप का यूज से हम टेक्स्ट को कटआउट कर सकते हैं। तो चलो अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ पे पहले एक पैराग्राफ बनाता हूँ, उस पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ दिस इज वर्ड रैप, इसको सेव किया। फिर अब मैं ब्राउजर में जाके देखता हूँ तो दिस इज वर्ड रैप आ गया। अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे स्टाइल में जो पी है उसको विड्थ पास कर देते हैं। अब हम जाके देख और बॉर्डर भी पास कर देते हैं ताकि पता चले कि विड्थ कितनी लगी है। सेव किया, अब ब्राउजर में जाके देखते हैं। देखो तो ये जो वर्ड रैप फॉन्ट है या तो टेक्स्ट है, सॉरी ये जो वर्ड रैप वर्ड है वो अपनी 60 पिक्सल की जो बॉर्डर है उससे बाहर निकल गया। मतलब कि अगर जो हमको इसी तरीके से काम करें तो हमको जो स्ट्रक्चर हमारे वेब पेज को दिखाना है वो नहीं दिखा सकते, तो एलिमेंट हमारे ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम वर्ड रैप का यूज़ करेंगे। तो अब वर्ड रैप को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ड डैश रैप। तो यहाँ पे लिखते हैं ब्रेक ऑल। अब हम ब्राउज़र में जाके देखेंगे, सॉरी ब्रेक वर्ड है, ब्रेक ऑल नहीं है, ब्रेक ऑल वर्ड रैप के लिए नहीं है। तो ब्रेक उसको सेव करके देखते हैं फिर से क्या होता है। तो देखो अब ये जो वर्ड रैप है वो अपनी तरीके से 60 पिक्सल के अंदर में ऑटोमेटिक ब्रेक हो गया। अगर जो हम वर्ड रैप निकाल देते हैं तो ये वर्ड रैप पूरा एक टेक्स्ट, मतलब कि पूरा एक वर्ड जो कटआउट नहीं होता है, मगर वर्ड रैप के यूज़ से हम एक पूरे वर्ड को कटआउट कर सकते हैं। हाँ, अगर जो हमने वर्ड रैप के बीच में अगर जो कोई स्पेस रखा होता तो वो ऑटोमेटिक नीचे चला जाता। चलो उसको भी हम देख लेते हैं किस तरीके से मैं कहता हूँ। तो मैं इसको पहले तो वर्ड रैप को निकाल देता हूँ, सेव कर दिया और यहाँ पे वर्ड और रैप के बीच में मैंने स्पेस दे दी। अब हम ब्राउज़र में जाके देख रिफ्रेश करते हैं तो देखो वर्ड रैप ऑटोमेटिक कटआउट हो गया। मतलब कि ब्राउज़र की एक डिफ़ॉल्ट फंक्शनालिटी है कि अगर जो कहीं पे भी या तो कोई पेज कंप्लीट होता है या कोई किसी की विड्थ या तो कोई एलिमेंट की विड्थ कंप्लीट होती है तो उसके आगे के वर्ड में, मतलब कि उसके आगे जो भी स्पेसिंग आता है वो स्पेसिंग से वो वर्ड वो लाइन को ब्रेक करके ऑटोमेटिक नीचे की लाइन में ले लेता है। मगर कहीं जगह पे ऐसा होता है कि कोई एक वर्ड है जो बहुत लंबा है जिसको कट नहीं किया जा सकता, तो फिर वो वर्ड अपने जो भी एरिया डिफाइन किया हुआ है उससे बाहर निकल जाता है, तो फिर डिज़ाइन प्रॉपर नहीं आती है। तो फिर डिज़ाइन प्रॉपर लेने के लिए यहाँ पे हमको वर्ड रैप की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये था हमको फॉन्ट फैमिली किस तरीके से देना है, फिर फॉन्ट साइज किस तरीके से देना है वो हमने देखा, वर्ड रैप और टेक्स्ट शेडो किस तरीके से देना है वो हमने देखा। अब आगे देखते हैं क्या आता है। तो आज हमने देखा कि CSS 3 का यूज करके हम वर्ड रैपिंग किस तरीके से करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि
हम CSS 3 का यूज़ करके कलर और ओपेसिटी फ़ॉन्ट की किस तरीके से चेंज करेंगे।